भागो, मत भागो पश्चिमी सभ्यता के पीछे, वो लोग हैं खुद परेशान, ये बात जाने कब हमारी समझ में आएगी। संभाल लो अपनी वैदिक संस्कृति को, वरना अब की बारिश में ये दीवार भी ढह जाएगी। भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, और पूरे देश के अंदर यदि हम बाहर देश की बात करते हैं, दो चीजों के ऊपर फोकस देना चाहेंगे कि आज आदर और सम्मान के लिए सभी जो अभिवादन होता था, आज सभी हाय हेलो नहीं करते, नहीं राम राम करते, आज सभी नमस्ते करते हैं। पहला पॉइंट ये कि हमारी संस्कृति के अंदर जो आर्यवर जो देश होता था, पहले भी हम नमस्ते करते थे, आज अचानक क्या ऐसा हुआ है कि आज सभी नमस्ते करने लगे। और दूसरा, कल भारत सरकार ने आदेश दिए हैं जिस भी व्यक्ति की अभी मृत्यु होगी कोरोना वायरस के कारण, उसका दाह संस्कार होगा। तो अग्निदेव आर्य जी हैं और हमेशा वैदिक पद्धति से परिचित कराते हैं युवाओं को भी, पूरे देश को भी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो भाई, हम तो चीख चीख के सदा से कहते आए कि वैदिक संस्कृति की ओर लौटो जी। महर्षि दयानंद जी ने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो जी, पर लोगों की समझ में नहीं आती बात है। अब इनकी नास फूटली है, अब सीधे लाइन पा रहे हैं। मैं जाता किसी से हाथ जोड़ता तो हाथ मिलाता, मैंने कहा भाई ठीक नहीं लगता, अब दूर से हाथ जोड़े है। बिल्कुल, अब आ गया ना आगे सीध में। फिर आगे बात आई, भाई कहते कि मांस आहार गलत चीज है, लेकिन नहीं, मांस में ये है वो है, शरीर ऐसा हो जाता है। अब सबकी आंख खुल रही है। बिल्कुल, हमने ये आचरी है खूब यहाँ पर डीसी का ज्ञापन दिए, प्रदर्शन करे, सारी बात की, पर अब अपने आप बंद होगी जी। क्योंकि जब जब वैदिक संस्कृति से हमें विपरीत चलेंगे तो उसके दुख भोगना पड़ेगा। वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, 16 जी जी। अभी 16वां संस्कार है ना, जो अंतिम संस्कार, भाई दफनाओ मत है, उसे जलाओ। अभी 15 और नहीं मान रहे लोग है। जब तक 15 संस्कारों को ठीक से नहीं जानेंगे तब तक और दुख भोगेंगे। अभी आखिरी वाला तो जान गए, अभी इसे 15 और बाकी हैं। संस्कार विधि पुस्तक है, किसी गुरुकुल में आर्य समाज वो मिल जाएगी आपको। तो इसलिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, हवन का मजाक उड़ाने वाले, यज्ञ का मजाक उड़ाने वाले आज यज्ञ हवन कर रहे हैं। अरे प्राणायाम पर ईश्वर ने कितना बल दिया, फेफड़ों की शक्ति कम हो जाती है, दम घुटने लगता है। प्राणायाम योग दर्शन में, हमारे योग शास्त्र में प्राणायाम पर पूरी ताकत लगाई हुई है। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इन लोगों को, जो विदेशी और पश्चिमी सभ्यता का गुणगान गाया करते थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि मत भागो पश्चिमी सभ्यता के पीछे, वो लोग हैं खुद परेशान, ये बात जाने कब हमारी समझ में आएगी। संभाल लो अपनी वैदिक संस्कृति को, वरना अब की बारिश में ये दीवार भी ढह जाएगी। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि वैदिक संस्कृति और कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि ये तो केवल 16वां संस्कार, दाह संस्कार जो भारत सरकार ने अभी अलाउड किया कि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई, किसी भी धर्म से हो, उसका दाह संस्कार होगा। केवल 16वां ही संस्कार, भाई 15 जो संस्कार है आप उनको भी, वैदिक जो संस्कृति है उनको भी आपने अपनाना चाहिए, जो नमस्ते की जो परंपरा। एक और बात कहें जी, अब ये कहें भी सारी अलग अलग रहो, अलग अलग खाना भी इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, अलग अलग रहो, पहले भी हमारी संस्कृति ऐसे ही जी। पहले तो आप सत्यार्थ प्रकाश का 10वां समुल्लास पढ़ो जी जी। एक एक बात ऐसे खोल खोल के रख रखी है, आश्चर्य होता ऋषियों ने कितने सालों पहले लिख दिए बातें, और आज लोग जब इसका प्रभाव पड़ा ना उल्टे कर्मों का, अब समझ में आ रही है सबको। तो ये इसलिए सब चीजें ऋषियों ने लिखी हुई हैं, कौन सा पात्र कैसे शुद्ध होता है, किस चीज से शुद्ध करना चाहिए उसको, सारी बातें पूरी लिखी हुई है हमारे यहाँ पर पूरी तरह। बिल्कुल, जो हमारी जो संस्कृति है ना आर्यवर्त, जो देश की संस्कृति है, वो आज से नहीं, वो आंकड़ा भी है, आर्य जी बताएंगे सर हमारी संस्कृति को कितना समय हो चुका है, वो आंकड़ा है जो हमारा 1 अरब। बिल्कुल है, वो 1,96,08,53,121 वर्ष चल रहा है, लगभग 2 अरब। बिल्कुल, ये पूछोगे क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, प्रमाण है। देखो जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उस पर संकल्प पाठ पढ़ा जाता है जी, ठीक है। और जो भी चीज कहते हैं डेली डायरी कोर्ट में भी मान्य होती है, तो हमारे यहाँ पर प्रतिदिन संकल्प पाठ पढ़ा जाता है, ओम तत्व श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहार दे, ये पूरा आता है इसमें, भाई कितने कौन सा वर्ष, कौन सा पक्ष, कौन सी ऋतु, पूरी बताई जाती है। तो ये वहीं से आंकड़ा हम रखते हैं। बिल्कुल, तो 2 अरब से हमारी जो संस्कृति है इतने सालों से चली आई है, वैदिक जो पद्धति है आप उसको अपनाए और सहकार को अपनाए, और जो जिस प्रकार से बताया इतने संस्कार, 16 संस्कार है, आप वेद विद्या प्राप्त करें, सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है उसका स्वाध्याय जरूर करें। लास्ट में क्या संदेश देंगे देशवासियों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़ो, जय आपका सामर्थ्य गुरुकुलों में आगे पढ़ने का नहीं है, तो आप कम से कम सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ो। और ये कहो जी कहां से मिलेगी, भाई हम गुरुकुल से दे देंगे, निःशुल्क दे देंगे, फ्री में दे देंगे, आप आओ, कुछ नहीं लेंगे आपसे, आप आओ ले जाओ पढ़ो, हम आपका सहयोग करेंगे, तो मिल चलकर फिर साथ में वैदिक संस्कृति की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।